सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम व्हाट्सएप पर किसी का पता लगाते हैं कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपना व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता है और उस इंसान के मेनू जाना पड़ता है, तब हमें पता लगता है कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें सिर्फ आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और आप ऊपर पेज से ही, ऊपर वाले मेन मेनू से ही दोस्तों सबका पता लगा सकते हो कि कौन बंदा ऑफलाइन है और कौन ऑनलाइन है। जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर से ही पता लगा लोगे कि कौन ऑफलाइन है और कौन ऑनलाइन है, और अगर वो कोई ऑफलाइन है तो वो लास्ट बार कितने बजे ऑनलाइन आया था, सारी डिटेल दोस्तों आप ऊपर से पता लगा लोगे। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि जिसका हम पता लगाना चाहते हैं उसके मैसेज हमारे बॉक्स में डले होते हैं जिन्हें हम रीड करना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों जब भी हम उनके मेनू में जाएंगे तो जो मैसेज होते हैं दोस्तों वो सीन हो जाते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप दोस्तों ऊपर से पता लगा लोगे कि जिसके मैसेज आपके पास डले हुए हैं उसकी सारी डिटेल दोस्तों ऊपर से पता लगा लोगे कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। जिससे क्या होगा, आपका जो काम है आपको पता लगाना है वो आप ऊपर से लगा लोगे और जो मैसेज डले हुए दोस्तों वो सीन भी नहीं हो पाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और वो मैसेज वैसे वैसे पड़े रहेंगे जैसे वो पहले पड़े थे। तो दोस्तों, ऐसी क्या सेटिंग है और ऐसा क्या तरीका है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको दोस्तों क्या तरीका अपनाना है। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मैं कोई और वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में FM व्हाट्सअप डाउनलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नॉर्मल व्हाट्सअप होता है उसके अंदर हमें जो इस तरह के फीचर देखने को नहीं मिलते, वो एक नॉर्मल व्हाट्सअप होता है। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में FM व्हाट्सअप डाउनलोड करना है। इस FM व्हाट्सअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब वहाँ से जाकर डायरेक्ट से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ और सेटिंग के बारे में बताता हूँ। जब आप इसे ओपन करोगे तो सेम व्हाट्सअप जैसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि मेरी लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनके सबके लास्ट सीन मुझे ऊपर से दिख साइज शो हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग की हुई है जिससे मुझे पता लग जाता है कि कौन किस टाइम पर ऑनलाइन है और कौन ऑफलाइन है। सबका लास्ट सीन दोस्तों मुझे शो हो रहा है यहाँ पर, जिससे मुझे किसी के मेनू यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। इससे जैसे मुझे किसी का पता लगाना हो कौन किस टाइम पर ऑनलाइन है ऑफलाइन है तो मुझे उसके मेनू जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऊपर से ही चेक कर लेता हूँ। दोस्तों, इस सेटिंग को ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पे आने का, तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है फोटो मोड का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको आना है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, आपको रॉ पे आना है। और रॉ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन लास्ट सीन। अगर मैं इसे ऑन कर दूँगा तो जो अभी मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी कि मैं ऊपर से सबके लास्ट सीन देख रहा था कि कौन कितने बजे ऑनलाइन हुआ था और कितने बजे ऑफलाइन गया है, अगर मैं सेटिंग को, ये देखिए, अगर मैं सेटिंग को डिसेबल कर दूँगा यानी यहाँ से ऑन कर दूँगा तो डिसेबल हो जाएगी और जो मेरी अभी जो सेटिंग चल रही थी वो बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये एग्जांपल के दिखाता है, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो आ रहा था वो हट चुका है। अब जैसे मैं इसे ऑफ कर दूँगा तो देखिए ऑनलाइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे डिसेबल रहने दूँगा तो मैं किसी को भी ऊपर से चेक कर सकता हूँ कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, और अगर वो ऑफलाइन है तो लास्ट टाइम कितने बजे ऑनलाइन आया था। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप किसी को पता लगाना है, आप ये देखना चाहते हो कि वो व्हाट्सअप पर ऑनलाइन है ऑफलाइन है और आप उसके मेनू नहीं जाना चाहते, आप ऊपर से चेक करना चाहते हो, तो आप यही सेटिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे डिसेबल करके आप किसी को भी पता लगा सकते हो। ये देखिए कि अभी कौन ऑनलाइन है और कौन ऑफलाइन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है मेरे में। ये देखिए सबके लास्ट सीन यहाँ पर सो रहे हैं, सबके लास्ट सीन सो रहे हैं दोस्तों कि कौन कितने बजे ऑफलाइन गया है। तो आप जो तरीका अपने फ़ोन में अपना सकते हो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा, आपको जो सेटिंग है अच्छे समझ में आ चुकी होगी कि आपको क्या तरीका अपनाना है और कौन सी सेटिंग ऑन करनी है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।